बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आफ्ताब नासिर जी। नेक्स्ट हमारा छोटा टॉपिक है टैक्सीज। टैक्सीज क्या होता है, टैक्सीज कितने किस्म के होते हैं, या टैक्स उसका क्या मतलब होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है, ये हम चार चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टू फिनांस पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ, नेशनल डिफेंस, ETC। गवर्नमेंट इम्पोजिज वेरियस टैक्सेस विच इंक्लूड्स डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन इट्स रेजिडेंट्स। जो टैक्सेस होते हैं जी, सेहत, तलीम, कौमी दफा वगैरह पर कौमी अखराजात पूरे करने के लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ इकसाम के टैक्स अपनी आवाम पर लगाती है, जो कि बराह रास्त टैक्स होता है या बिला वास्ता टैक्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब दो तरह के टैक्स होते हैं। वर्ल्ड टैक्स जो है, इसका मतलब क्या होता है, मनी दैट मस्ट बी पेड टू द स्टेट चार्ज एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट्स और एडिड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ टैक्स। जो टैक्स होता है जी, व्हाट इज टैक्स, आमदनी या नफा के तनासब से हासिल की गई रकम या सामान की कीमत खरीद में शामिल इजाफी रकम या खिदमात पर वो रकम जो कि रियासत को अदा की जाती है, टैक्स कहलाती है। एक चीज़ 50 रुपए की है, उसके ऊपर वो 60 रुपए में अगर मिल रही है तो वो 10 रुपए ऊपर क्या होगा, टैक्स होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर दो तरह के टैक्स पाए गए हैं जी, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दिस इज़ द टैक्स विच इज़ चार्ज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ETC। कहता है कि जो बराह रास्त डायरेक्ट टैक्स होता है, बराह रास्त टैक्स, ये वो टैक्स है जो कि आमदनी, जायदाद और मुनाफा पर इनकम टैक्स या जायदाद की शक्ल में बराह रास्त हुकूमत फर्द से या अफराद से वसूल करती है। हुकूमत बराह रास्त करती है, उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, बराह रास्त टैक्स बोलते हैं। दूसरा होता है जी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड ड्यूटीज़, मोटर व्हीकल्स टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जनरल सेल टैक्स जिसे GST कहते हैं, एंड वैल्यू एडिड टैक्स ETC। दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसे बिल वास्ता टैक्स कहते हैं। इस टैक्स में ड्यूटीज़, मशीनरी पर टैक्स, सामान और खिदमात पर टैक्स शामिल है। इसमें जनरल सेल टैक्स और दूसरा हमारे पास वैल्यू एडिड टैक्स भी शामिल हैं। तो ये हमारे पास टैक्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और टैक्स जो होता है वो अजाफी रकम जो अप्लाई होती है एक्चुअल अमाउंट के ऊपर, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी।